हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूंगा डबल कोवलेंट बॉन्ड की। और डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपकी बुक के हिसाब से जो एग्जाम्पलीफिकेशन हुई है उसी को लेकर चलेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। राइट, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डेफिनेशन की तरफ तो अभी हम आते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स को पहले देख लें। राइट, तो आई शुड राइट एग्जाम्पल हियर। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है विच इज नोन एज ऑक्सीजन गैस, डबल कोवलेंट बॉन्ड में इसको कैटेगराइज किया जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, इसको हम ईथीन कहेंगे। राइट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ईथीन या फिर इसको ईथाइलीन कहेंगे। ठीक है, इसके दो नाम है और ये भी गैसियस मॉलिक्यूल ही होता है। तो इन दोनों गैसेस को बेसिकली हम जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सबसे पहले आसान एग्जाम्पल समझते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का आई थिंक सो इट इज द 8th एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट, एंड इट हैज अ मास ऑफ 16 ग्राम पर मोल या 16 amu। और अगर इसके हम फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखें, लेट मी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आपने चैप्टर नंबर 2 में कॉन्फिगरेशन पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, 1s2, 2s2, 2p6 एंड दैट्स इट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी ऑक्सीजन की। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो के शेल है इसमें तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि एल में जो है वो तकरीबन सॉरी आई जस्ट नीड टू प्लेस हेयर 4, क्योंकि आई थिंक सो 2 प्लेस करेंगे, 2 टू 4 6 4 करेंगे आप। ठीक है, सो दैट मेक्स अ सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें अब इस कॉन्फिगरेशन में जो है हम क्या सीखना चाह रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऑक्सीजन को क्यों जरूरत है बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो और इसके अलावा ये डबल कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाना चाहता है, मतलब उसकी क्या कंडीशन, डबल कोवलेंट बॉन्ड कंडीशन अप्लाई होती है या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। बरहाल मैं आपको बताऊं, कोई भी नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन है या कोई और, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं लेकिन वो आसानी के लिए डबल भी बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम जो एग्जाम्पलीफिकेशन करेंगे वो डबल की ही करेंगे, सिंगल की नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो अगर हम इसके फॉर एग्जाम्पल एटम की तरफ देखें, तो ये हमारे पास अगर न्यूक्लियस है तो ये हमारे पास पहले शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे शेल में जो है वो तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। राइट, तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होंगे यानी इसकी वैलेंसी जो है वो 6 होगी, वैलेंसी 6 होगी या फिर इसकी वैलेंसी -2 होगी। 6 इसलिए क्योंकि आउटर शेल में 6 है और -2 इसलिए क्योंकि ये 2 गेन करना चाहता है, और 6 और 2 कितने हो जाते हैं 8, यानी कि ये ऑक्टेट को फॉलो करना चाहता है। राइट, ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉलो ऑक्टेट, 8वें नंबर पर ये है तो ये किस नोबल गैस को फॉलो करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली नियॉन, नियॉन 10 को ये फॉलो करेगा। राइट, तो नियॉन का ये फॉलोअर है और इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने 10 करने हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। राइट, तो अब हम इसमें क्या सेंस करेंगे कि अगर हम लेट्स से दैट लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू बुक, लिविस डायग्राम इसकी अगर हम बनाए, लिविस डायग्राम मेरे पिछले लेक्चर में लिविस डायग्राम को मिस किया जा रहा था तो मैंने सोचा जरा आपको डोमिनेंटली बताया जाए बच्चों को। तो ये हमारे पास इसके पास टोटल जो है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये दूसरा एटम भी मैं साथ बना देता हूँ, मैं अपनी आपकी बुक के हिसाब से इसको बना रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, दैट प्लस इंडिकेट कि दोनों ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स अब देखो, इसका ये आउटर शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये भी इसका आउटर शेल है इसमें जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको मैंने क्रॉस और डॉट में शो किया, क्रॉस और डॉट में, क्यों, क्योंकि डेफिनेटली क्रॉस और डॉट से ही तो क्रॉस डॉट फॉर्मूला बनेगा। लिविस डायग्राम को क्रॉस डॉट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, क्रॉस डॉट फॉर्मूला। ये लिविस ने तकरीबन 1923 के अंदर कमाल की बातें बताई थी। मैं आपको इतना बताता चलूं, जेन लिविस वाज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिसने आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग को डोमिनेंटली एक्सप्लेन किया था। सो साइंस में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आज आपको पता है दुनिया के हर कोने में कोवलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग सिखाई जाती है। तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लिविस, लिविस वाज द फर्स्ट एवर साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले इस चीज को सोचा। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग फैक्ट। बरहाल वापस आए, तो 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास यहाँ पे और 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास
यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये दोनों आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है, ये बन जाएगा शेयर्ड पेयर, राइट। सो आई कैन शो एरो चेंज आएगा, और अब ये ऑक्सीजन है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, और ये दूसरा ऑक्सीजन इसके करीब हो गया। आपको याद होगा मैंने कहा था बॉन्ड तब बनता है जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन जो है आपस में काम कर रही हो, और अट्रैक्शन की फोर्सेज को जीतना चाहिए। इन दोनों ने, ये दोनों करीब आए हैं, राइट, दीज टू एटम हैव कम टुगेदर, करीब आए हैं, लेकिन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट रही और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन जो है वो डोमिनेंट नहीं रही, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये न्यूक्लियस है इनके अंदर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कह लो कि न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, और यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है दे आर अट्रैक्टिंग द दिस न्यूक्लियस। और आप कह सकते हो कि ये अट्रैक्शन का नतीजा क्या निकला है कि ये दोनों एटम्स जो हैं वो करीब आ गए हैं, और इस न्यूक्लियस के दरमियान अब आपको चार इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा हिंट मैं आपको बता रहा हूं, ये चार इलेक्ट्रॉन का होना इस बात की निशानी है कि ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। ये सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अनदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो इस वाले एटम को जो है आपको मैं दिखाता हूं, लेट मी जस्ट शो यू योर बुक, ओके, सो लुक एट दैट, राइट, लुक एट दैट, आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये देखें, ये इसके टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी, और वहां पर देखें आप, अब वहां पर भी टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। सो दैट मेक्स अ सेंस ऑफ अ काइंड ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसके भी 8 हो गए हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो यहाँ पर 6 नजर आ रहा था, सॉरी 4 नजर आ रहा था, अब ये दो इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या हो गया, 6 हो गया। और ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई है, नियॉन की हो गई है, यानी ऑक्टेट को फॉलो कर लिया गया, क्योंकि नियॉन के पास ऑक्टेट ऑलरेडी था, इसके पास जब ये 4 इलेक्ट्रॉन थे तो ऑक्टेट नहीं था, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल में 6 थे, तो लिहाजा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, यानी 4 जो पी में इलेक्ट्रॉन थे अब वो 6 हो गए हैं, राइट, तो 2 and 6, 8, तो ऑक्टेट आउटर शेल, ये वैलेंस शेल है, ये के शेल है और ये एल शेल है, के में 2 है, एल में 8 है, और अगर एल में 8 हो जाएं, अभी 6 थे, अभी 2 गेन हो गए हैं, ये कंडीशन आ गई है, लिहाजा आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। वो खुद सोचो कि अब ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, ये भी स्टेबल हो गया है, इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया है, तो दे आर आ स्टेबल स्पीशी। इस डायग्राम को कैसे लिखा जा सकता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, इस डायग्राम को स्टूडेंट्स आप ऐसे लिख सकते हो कि ये दोनों जो आपके पास, ये सिंगल बॉन्ड पेयर है, ये भी सिंगल बॉन्ड पेयर है। अब देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, अब इसमें 1, 2, 3, 4 ये वो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के दरमियान नहीं है, ये दो न्यूक्लियस है, इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, ये बॉन्ड पेयर 2 है, राइट, ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड पेयर है उनकी तादाद 2 है, और ऑक्सीजन में जो एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 न्यूक्लियस के, यहाँ पर आपको कोई एटम नजर नहीं आ रहा था, ये न्यूक्लियस है लेकिन इधर कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई एटम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर नहीं कहलाएंगे, ये लोन पेयर कहलाएंगे, अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट इन बिटवीन 2 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियाई, दे आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी लोन पेयर होगा, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, और ये भी, और टोटल लोन पेयर की तादाद स्टूडेंट जो है वो 4 हो जाएगी। That makes a sense कि ऑक्सीजन में जो 2 बॉन्ड पेयर है that makes double covalent bond, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, और इनमें 2 लाइनें शो कर रही हैं कि इनमें double covalent bond है, और ये डॉट शो कर रहे हैं कि इनके अंदर ये लोन पेयर मौजूद है। स्टूडेंट्स इसी मॉलिक्यूल को मजीद कंडेंस करके लिखा जा सकता है और ये बन जाएगा O2। अब ये इसके पीछे कहानी ये है, इसके पीछे कहानी ये है, और इसके पीछे इंडिविजुअल कहानी जो है वो आपको नजर आ रही है वो ये है, राइट, दैट मेक्स अ सेंस ऑफ यू नो डबल कोवलेंट बॉन्ड, राइट, दैट इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर जल्दी से समझते हैं इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की स्टोरी को, विच इज इथीन, राइट, या इसको आप इथाइलीन कह सकते हैं, और क्लास 10 में इसके बारे में बहुत सी बातें आपसे और करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपसे बात करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी है। सो अभी इसको मैं जल्दी से अरेज करूं ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल समझा सकूं। जी स्टूडेंट्स, सो अब हम जो बात करने वाले हैं, हमने
सिंगल कॉवलेंट बॉन्ड की बात ऑलरेडी कर ली पिछले वीडियो में, ये पार्ट टू देख रहे हैं आप, और ये पार्ट टू के अंदर जो है, पार्ट वन में जो है उन्होंने बात कर ली, पार्ट टू में जो है आप देख रहे हैं डबल कॉवलेंट बॉन्ड की स्टोरी, और पार्ट थ्री में मैं ट्रिपल कॉवलेंट बॉन्ड की स्टोरी आपके सामने लाऊंगा। लेकिन डबल कॉवलेंट बॉन्ड जो है, इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन में डबल कॉवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि डबल कॉवलेंट बॉन्ड होता है। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि इथीन मॉलिक्यूल, इसका आपने नाम याद रखना है, इसका ये फॉर्मूला है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मैं आपको उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। इसमें आपको दो कार्बन नजर आ रहे हैं, सो दिस वन, दिस इज टू, और इसमें चार हाइड्रोजन है। सो लेट मी जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर, ये हमारे पास दो लाइनें होंगी, दैट शोज अ डबल कॉवलेंट बॉन्ड, और यहां से हम इसको एक हाइड्रोजन को इस तरह कर्व करके लाइन बना देंगे, एंड दैट मेक्स अनदर सिंगल कॉवलेंट बॉन्ड। अब इसमें सिंगल कॉवलेंट बॉन्ड की तादाद चार है और डबल कॉवलेंट बॉन्ड की तादाद जो है वो एक है, यू कैन जस्ट से टोटल कॉवलेंट बॉन्ड, जिसमें टोटल छह कॉवलेंट बॉन्ड्स मौजूद है। तो ये है मॉलिक्यूल विच इज नोन एज ईथीन, ईथीन। अब ये ईथ और ईन का क्या मीनिंग है, ये मैं आपको कमिंग क्लास में बताऊंगा, क्लास 10 में, जब हम वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे, राइट। सो अभी हम इसके डबल कॉवलेंट बॉन्ड की स्टोरी को समझते हैं। स्टूडेंट्स, कार्बन है इसके अंदर और हाइड्रोजन है आपको नजर आ रहा है। कार्बन पीरियोडिक टेबल का छठा एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 है। जबकि हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, इसका मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1, यानी एटॉमिक नंबर भी 1 है, और जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसकी कंफिग्रेशन करें तो इसकी कंफिग्रेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p2, राइट। के में इसके दो इलेक्ट्रॉन होंगे और एल में जो है इसके तकरीबन चार इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। और हम इसको देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी 1s1, और इसके के में जो है वो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, यानी 1s1। एंड इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पर इस कार्बन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लियस है, कार्बन के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में जो है दे आर समथिंग लाइक यू कैन से 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इसकी बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में पहले शेल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। स्टूडेंट्स, अब ये तो हमें स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा समझ में आ गए हैं, तो व्हाट वी आर टॉकिंग नेक्स्ट इज कि ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। स्टूडेंट्स देखो, अब कार्बन जो है अगर हम इसकी लिविस डायग्राम बनाएं तो उसके आउटर शेल में मैं इस तरह के चार डॉट्स बना सकता हूँ, जिनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्रॉस बना सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, और मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और शायद मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट ओके। अब ये तीनों डायग्राम लिविस डायग्राम है कार्बन की, इनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अभी मैं इस डायग्राम को फॉलो करूंगा, इस लिविस स्ट्रक्चर को, और हाइड्रोजन का तो आपको पता है, इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है, राइट, इसको आप डॉट से शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। मैं इधर जो है आपके लिए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ इस छोटे से ब्लॉक में, ठीक है। तो आप देखिए, हमारे पास दो कार्बन है इस डायग्राम को फॉलो करने। सो हमारे पास दिस इज कार्बन, राइट, हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन हियर एंड 1 एंड 2 हियर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, और शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अनदर कार्बन एटम, और हम इसकी बैक साइड पे अब ये क्रॉस शो करेंगे, और यहाँ पर हमने इस तरह शो कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखो, अब ये एटम और ये एटम जो है वो करीब आ सकते हैं, दे कैन कम क्लोजर, राइट, दे कैन कम क्लोजर, तो ये क्लोज हो जाएंगे लाइक दिस, इसको डॉट में बना लेते हैं ताकि थोड़ा दोनों डायग्राम सेम ना लगे, राइट। सो अब ये डॉट में बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, ये क्लोजर हो गए, यानी दीज, अब विजुअली थिंक अबाउट इट कि ये हमारे पास इसके न्यूक्लियस है, से ये कार्बन का मैं एटम बना दूं, लेट मी जस्ट सराउंडेड बिकॉज ऑफ कार्बन एटम बनाना चाह रहा हूं मैं, ये देखिए। अब ये दो न्यूक्लियस के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट, लेट मी जस्ट मेक इट विद द ब्लैक, डोमिनेंटली ब्लैक बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है, और इसमें अब आपको नजर आ रहा है कि यहां पे हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस आ गए हैं, दैट मेक्स अ सेंस ऑफ डबल कॉवलेंट बॉन्ड, राइट, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर, अनदर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, राइट। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से दैट ये वाले जो हमारे पास ऊपर वाले कार्बन एटम्स थे, वो दोनों एटम्स जो हैं वो करीब आ गए हैं, और ये देखें, ये भी करीब आ गया, ये भी करीब आ गया, और ये दो इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ये भी बॉन्ड पेयर कहलाएगा, दो न्यूक्लियस के दरमियान चार इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है।
सर नेक्स्ट आई कैन टॉक यू अबाउट कि यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा राइट क्रॉस लेकर, ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे क्रॉस लेकर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लेकर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे भी डॉट लेकर हाइड्रोजन आ जाएगा। और लुक एट दैट, अब ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। सो लुक एट दैट, दैट इज द स्ट्रक्चर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट। अब ये एक लाइन जो है और ये एक लाइन जो है, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड की लाइन है बिटवीन द टू कार्बन आइटम्स, ये दो कार्बन आइटम्स है। और देखें स्टूडेंट्स, आउटर शेल में कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन्स है, लुक एट दैट 1 2 3 4। अब एक दो तीन और चार, चार शेयर हो गए। अब कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो पहले कितने थे, चार थे, अब चार और आ गए तो दो में हम कितना ऐड करेंगे, चार ऐड करेंगे, 2p6 हो गया। ये देखें अब ये नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p6 राइट 2p6। अब ये देखें ये नियॉन की कॉन्फिगरेशन है और ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। और ये देखें अब कार्बन ने भी इसी कॉन्फिगरेशन को फॉलो कर लिया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। ये देखें अब कितने गेम कर लिए उसने, टोटल 10 4 गेन कर लिए, 1 2 3 4 चार गेन कर लिए। और ये देखिए अब 10 हो गए, यानी कार्बन के पास 6 थे, अब कार्बन के पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यानी अब ये नियॉन की तरह हो गया है, स्टेबल हो गया है। लेकिन एक शर्त है कि ये दो हाइड्रोजन के साथ इकट्ठा रहेगा और कार्बन के साथ भी इकट्ठा रहेगा, तब ही अपने 10 पूरे कर सकेगा। अगर ये इनसे दूर जाएगा, इस कार्बन से दूर, ये वाला एटम इससे दूर चला गया, इससे दूर चला गया, तब इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाएंगे। इसलिए इन सब को, इस कार्बन को इसके साथ और इस कार्बन के साथ इकट्ठा रहना पड़ेगा। और यही वजह है इसके पास 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 4 और 2 6 6 और 2 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दैट इज द थ्योरी राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका भी वही केस है जो मैंने आपको समझाया, तो इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। So, ये डायग्राम आपने बना ली। सो अकॉर्डिंग टू बुक जो है, आई थिंक सो हम इन लाइंस को अब यू नो डॉट और क्रॉस में शो कर सकते हैं, 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 डॉट सॉरी क्रॉस एंड डॉट में शो कर सकते हैं, क्रॉस एंड डॉट में शो कर सकते हैं। सो दैट मेक्स द लिविस डायग्राम ऑफ दिस। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने अब आपको ये देखें ड्रॉ लिविस स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ, मैं इथीन आपको क्वेश्चन दे सकता हूं, तो इथीन का ये स्ट्रक्चर डायग्राम होगा। इससे पहले मैंने आपको ऑक्सीजन समझाया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, वो ऑक्सीजन का लिविस स्ट्रक्चर होगा, जिस तरह आपको ये याद होगा। सो दिस दिस थिंग राइट, आप थोड़ा सा देख लेंगे, दिस थिंग दिस द लिविस डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके अलावा मैं आपको मीथेन की दे सकता हूँ, ये लिविस डायग्राम बनाया, तो ये मीथेन की लिविस डायग्राम होगी। उसके अलावा मैं आपको HCl की लिविस डायग्राम दे सकता हूँ, तो ये HCl की लिविस डायग्राम होगी राइट। इसके अलावा मैं आपको क्लोरीन गैस की लिविस डायग्राम दे सकता हूँ, तो ये क्लोरीन गैस की जो है वो लिविस डायग्राम होगी। सो इसके अलावा अगर हाइड्रोजन गैस की दे दूंगा, तो हाइड्रोजन गैस की ये लिविस डायग्राम होगी। सो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू इज कि यहां पर मैंने आपको समझा दिया है कि इथीन के अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है राइट। So that is the structure of liver structure, and that is the molecular structure, and that is the structural formula of ethene molecule. और किस तरह मैंने आपको बता दिया है कि जब, अब मैं आपको थोड़ा सा definition की तरफ आता हूँ, each bonded atom contributes 2 electrons. ये देखो इस atom ने जो है वो 2 electrons जो है वो contribute किए इसको share करने के लिए, और इस atom ने इस एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं शेयर करने के लिए। तो ईच बॉन्डेड एटम, ये दोनों बॉन्डेड एटम है, उन्होंने 2 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। और इसके अलावा टू बॉन्ड पेयर आर शेयर्ड। ये देखें ये 1 बॉन्ड पेयर है और ये एक और, इसमें C2H4 में बॉन्ड पेयर की तादाद देखें कितनी है, 2 बॉन्ड पेयर है और इसमें टोटल सॉरी 2 बॉन्ड पेयर नहीं है, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड पेयर है, जिसमें से 4 सिंगल कोवलेंट है और 1 डबल कोवलेंट है राइट। और इसे बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो देयर टोटल 6 नंबर, इसमें कोई शक नहीं है राइट। सो व्हाट वी आर टॉकिंग हियर कि डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा बिटवीन द टू कार्बन आइटम्स और बिटवीन द टू ऑक्सीजन आइटम्स राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको जो है थोड़ा आइडिया दे रही होगी।
और अगर आपने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करना है तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक वीडियो आ रही है, इस पर क्लिक करें और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को भी आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू एंड जस्ट नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले वक्त में बेहतरीन वीडियोज दूंगा। अभी चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, कोई भी चैप्टर निकालें, वीडियोज देखें। अगर आपने और आसानी से इसको देखना है तो अभी छोटा सा आइकॉन है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाके कोई भी लिंक्स पे आप जो वीडियो देखना चाहते हैं क्लिक करें, लिंक्स को लिंक्स में जो है मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, तो लिंक से आप कोई भी वीडियो को देख सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, अपना अपने बहुत ख्याल रखना है। आने वाली वीडियो में, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस आयोनिक बॉन्डिंग, सॉरी कोवलेंट बॉन्डिंग, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और उसमें मैं एग्जांपल आपको हिट करूंगा नाइट्रोजन गैस की और इथाइन मॉलिक्यूल की या एसिटाइलीन गैस की, और उसमें इंशाल्लाह मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, राइट। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट जरूर किया करें, राइट। आपके कमेंट्स मेरे लिए बूस्टर होते हैं एनर्जी का, कि मैं कमेंट्स से जो है काफी सीखता हूँ आपके, कि क्या चीजें और बेहतर की जा सकती है। सो थैंक यू सो मच अपना।